ये एक स्मार्ट वॉच नहीं, पूरा ही एक स्मार्टफोन है। इसके अंदर आप रील स्क्रॉल कर सकते हो, BGMI खेल सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सारी चीजें चल जाती हैं जो आपके फोन में चलेंगी। एंड ये घड़ी बस 7,000 रुपए की। बट इसको जितने भी लोगों ने लिया है सब ट्विटर पे गाली निकाल रहे हैं और हमको हैरानी होगी थी भाई ऐसा क्या हो गया है स्मार्ट वॉच के अंदर इतनी गालियां पड़ रही। तो भाई इतने नेक्स्ट लेवल फीचर्स इतने कम प्राइस में मिल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और कोई भी स्मार्ट वॉच नहीं प्रोवाइड कर रही, बट अंदर का सच हम निकाल लेंगे, लेट्स गो। मैंने इसका एड देखा था, धोनी भाई आए थे, उन्होंने MC Stan को 4-5 बार गले लगाया, मेरे को बहुत मजा आया। उसमें बहुत सारी चीजें दिखाई थी, मेरे को बहुत तगड़ा था, इतने कम प्राइस में इतनी तगड़ी वॉच। हमने ऑर्डर कर लिया घड़ी भाई की, चेक करते दूध का दूध, दही का दही, मलाई खा के बटर बना लेंगे। ये है फायरबोल्ट की नई ड्रीम स्मार्ट वॉच। पैकेजिंग काफी प्यारी थी, बाहर की तरफ घड़ी वड़ी बन रखी है, अलग अलग चीजें लिख रखी है, 900 mAh बैटरी, ये वो TWS। इन्होंने देखो अपनी टैगलाइन क्या दे रखी है, इन्होंने अपनी टैगलाइन दे रखी है भाई, वेयर अ फोन, मतलब फोन पहन लो, बेसिकली फोन उन टांग के घूम सकते हो। बट इन्होंने बताया नहीं कपड़े हो गए ऊपर पहनना है, कपड़े हटा के पहनना है, कंफ्यूजन हो गया। और इसे बताऊं हाथ में पकड़ने में डेफिनेटली काफी प्रीमियम स्मार्ट वॉच है। इसकी स्ट्रैप की डिजाइन भी काफी प्यारी सी है, यहाँ पे एज टू एज ऐसे सिलाई हो रखी है, काफी सारे छोटे छोटे छेद बना रखे हैं। यानी जो घड़ी भी है पूरी मेटल की है, यहाँ पे भाई काफी प्यारा सा क्राउन भी दे रखा है, जैसे मूव करने में हल्की सी आवाज प्यारी काफी प्यारी सी लग रही है। बैक साइड की तरफ भी भाई दिखने में काफी प्रीमियम सी लग रही है। सबसे पहले यहाँ पे भाई एक सिम लग जाती है भाई, जैसे आपके फोन के अंदर सिम लगती है, इसके अंदर एक एक्चुअल फिजिकल सिम डाल सकते हो। घड़ी हाथ में पकड़ने में पहनने में बहुत ज्यादा प्रीमियम है। आप बोलोगे सबसे ये तो भाई खरीदने के लिए क्यों मना कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ। मैं इस घड़ी के बारे में आपको बेसिक चीज बताता हूँ, ये घड़ी नहीं है फोन है। फायरबोल्ट ने क्या करा कि एक फोन लिया भाई, स्क्रीन लगा दी, एंड्रॉइड लगा दिया, सारी रैम वैम फिट कर दी, घड़ी बना के तेजी से लाइव कर दी एंड 7,000 रुपए में निकाल दी भाई, बहुत ही प्यारे प्राइस पे। और जब भी मेरे हाथ में आई मेरे को मजा आ गया था भाई, मैंने बहुत सारे फीचर ट्राई करे, काफी सारी एप्स ट्राई करी और इनिशियल इंप्रेशंस काफी पॉजिटिव थे। बट एक हफ्ते बाद मैंने जाके फ्लिपकार्ट पे जहाँ पे घड़ी बिक्री वहां पे मैंने इसका कमेंट सेक्शन खोला। सबसे पहली चीज तो इस पे बहुत ही ज्यादा नेगेटिव रिव्यूज थे, कोई बोल रहा है हीटिंग का इशू आ रहा है, कोई बोल रहा बैटरी नहीं चल रही, कोई बोल रहा हैंग हो जा रही, कोई बोल रहा फीचर नहीं चल रहा है, ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर नहीं चल रहा, बहुत सारी चीजें। उसमें कमेंट सेक्शन में और थोड़ा नीचे देगा पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे थे, मैं ये क्या सीन है कुछ समझ नहीं आ रहा, मिक्स मैच हो रहा है। तो इसलिए हमने डिसाइड करके इसको टेस्ट करते हैं, रिव्यू करेंगे बढ़िया से। इसमें 2 इंच का LCD डिस्प्ले है, 600 निट्स की ब्राइटनेस है, डिस्प्ले डेफिनेटली बहुत प्यारा है। एक दो चीजें हैं, जैसे इसको ना स्मार्टफोन ही आप समझो, घड़ी वाले फीचर नहीं है, जैसे घड़ी में होता है ना कि आप ऐसे उठाओ तो आपको टाइम दिख जाता, वो सब नहीं है इसके अंदर, वो बहुत बेसिक फीचर होता है, 1500 की घड़ी में मिलता है। देखो मैं दोनों घड़ियां पकड़ता हूँ, दोनों को मैंने ऑफ कर रखी है, जब मैं ऊपर उठाऊंगा इसका टाइम दिखा लेगा, इसका नहीं दिखाएगा। एंड इस बेसिक सी चीज से आपको इस पे एक बात समझ में आ गई होगी, इसमें बहुत सारे नेक्स्ट लेवल फीचर्स हैं बट काफी सारी बेसिक चीजें इसमें सही नहीं है। बट एक चीज जो इस घड़ी को बहुत ही नेक्स्ट लेवल बनाती है वो है इसके अंदर का सॉफ्टवेयर, और सेम चीज को खराब भी बनाती है। सबसे पहली चीज, जैसे आप सॉफ्टवेयर खोलोगे आपको एक घड़ी का सॉफ्टवेयर नहीं लगेगा, ये ऐसा लग रहा है एक मिनी फोन का सॉफ्टवेयर है। ये देखो टच पैड भी घड़ी के हिसाब से बहुत छोटे छोटे बटन, अगर मैं पूरी उंगली रख दूँ तो 9 के 9 बटन दब रहे, तो मेरे को बहुत अच्छे से निशाना लगा, 1, 2, 3, 4 मैंने घड़ी दो। इसके बाद आप अलग अलग वॉच फेसेस चेंज कर सकते हो, जैसे हमने ये वाला लगा लिया, ऐसे टैप एंड होल्ड करके काफी सारे आपको दिख जाएंगे। और जैसे आप ऊपर से स्क्रॉल करते हो तो पूरा फोन की तरह ही आता है भाई, नोटिफिकेशन पैनल, साइन टू वाईफाई नेटवर्क, ये देखो दिख भी नहीं रहा। एंड इसमें साइड वाइड वाले आपको बटन दबाने हो बहुत ही डिफिकल्ट है, एंड ऊपर की तरफ समझ लो आपको सेटिंग्स खोलनी है, तो सेटिंग्स का बटन दबाने के लिए आपकी हालत टाइट हो जाएगी। निशान ना भाई बहुत तगड़ा चाहिए आपको, ऊपर की तरफ से आप स्क्रॉल करोगे आप ब्राइटनेस वाइटनेस कंट्रोल कर सकते हो, जैसे आप खोलो इसको 1, 2, 3, 4 छोटे छोटे उंगलियों वाले, उसके बाद आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती है। एक तो मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगा कि ये है तो एंड्रॉइड वॉच बट ब्राउजर में लोगो सफारी का लग रखा है, सारे एप्पल के लोगो लगा रखे हैं, ऐसा एक सेकंड लगा एप्पल म्यूजिक ही है इसके अंदर। आपके फोन की ऐप है कैलकुलेटर, एल्बम्स, कैलेंडर, वीडियो प्लेयर, फ्लैश लाइट, और भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर आपके पास क्रोम ब्राउजर है जिसमें आप खोल के भाई पूरी ब्राउजिंग वाउजिंग कर सकते हो, वेबसाइट टाइप इन कर सकते हो। जैसे समझ लो मैंने एक उंगली रखी तो मैंने कितने बटन दबा दिए, मैं टाइप कर ही नहीं सकता इस पे। चलो मैं कुछ कर देता हूँ ऐसे स्क्रॉल करके, ये और ये जो गो वाला बटन है वो गो वाला बटन इतने कोने में दबी नहीं है। और जितनी प्ले स्टोर एप्लीकेशन है, सबवे सर्फर, BGMI, जोमैटो, स्विगी, मैप्स, इंस्टाग्राम, फ्रेश वॉल्स, ये सारी एप्लीकेशन इस वॉच के ऊपर चल जाती है। इसमें एंड्रॉइड 8.1 है तो इसमें थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है क्योंकि सिक्योरिटी पैचेस में 2018 के पड़ रखे हैं, तो जितने सिक्योरिटी अपडेट्स हैं वो इसमें आपको नहीं मिलेंगे। इसमें आप डायलर से डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, इसमें एक्चुअली सिम डाल ली भाई, कॉल करके देखते हैं डायरेक्ट, ये नंबर नहीं दिखा रहा भाई, कॉल पता नहीं जा नहीं रही, पता नहीं भाई कॉल आई नहीं रही।
उसके अलावा कॉन्टैक्ट वॉन्टैक्ट खोल सकते हो, कैलकुलेटर में कैलकुलेट हो जाता है सारी चीजें, एल्बम्स में, गैलरी में आप सारी फोटो वोटो खोल के देख सकते हो। इसमें प्ले स्टोर चला सकता हूँ, प्ले स्टोर पे जितनी भी एप्लीकेशन है जो बेसिकली आप अपने फोन पे इंस्टॉल करोगे वो सारी इस पे आप इंस्टॉल कर सकते हो। एंड गूगल क्रोम में भी अलग अलग वेबसाइट खोल सकते हो। बेसिकली ये घड़ी नहीं है, ये एक मिनी स्मार्टफोन है। मैंने इसमें यूट्यूब चलाया, थोड़ी वीडियो देखी और यूट्यूब बढ़िया चल रहा था, वीडियो भी बढ़िया चल रही थी। सबवे सर्फर में इसमें चला के दिखाता हूँ आपको। एक 2 इंच की स्क्रीन पे आप भाई सर्वे सर्फर चला सकते हो, बट आप देख सकते हो सारे बटन बहुत ही छोटे छोटे, तो आप किसी पे भी क्लिक करना बड़ा चैलेंज आएगा, बट ऑफकोर्स टैप करके गेम तो चल जाएगी। वो गेम तो बढ़िया चल रही थी, बट जैसे कि देख सकते हो सारे बटन बहुत छोटे हैं एंड इसको ना ऑप्टिमाइज नहीं करा गया, इस गेम को बनाया नहीं गया भाई इतनी छोटी स्क्रीन पे चलाने। और भी चीजें हमने ट्राई करी जैसे जोमैटो और स्विगी पे खाना मंगाने के लिए, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि इसमें GPS नहीं है, तो जब आप ऑर्डर करोगे तो आपकी लोकेशन नहीं लेगा, तो आपको पहले लोकेशन मैनुअली टाइप करके सर्च करके डालनी पड़ेगी, उसके बाद आपका ऑर्डर लेगा, थोड़ा सा चैलेंज रहता है। और एक चीज और, इसमें व्हाट्सएप में हमने ट्राई करा, व्हाट्सएप इसमें डल जाता है बट मैसेज टाइप करने में ना नहीं याद आ जाती, आप माशूगा को मैसेज करोगे रात हो जाएगी। अब आ चुके हैं भाई असली टेस्ट करने, इसके अंदर सारे फीचर ट्राई कर लें। एक तो भाई इसको खोलने में ना हर बार फोन की तरह इसको अनलॉक करना पड़ता है, इसमें सारी एप्स भी ना मोबाइल वाली दे रखी है। एक वन क्लिक क्लीनअप में भाई, ये क्लीनअप तो मोबाइल के अंदर ही होता है। फिटनेस का है ये, स्पोर्ट्स भाई 3, वो भाई भागना चालू करना पड़ेगा लग रहा है। 2, 1 21 स्टेप हो गए भाई, एक्चुअली काफी एक्यूरेट है। और भी चेक करते हैं भाई, ऑन फुट एल्फिनिज्म जंप रोप। भाई दोस्तों आप लोगों को पता होगा हमारा टेक चैनल है, तो हम रस्से नहीं हम तार कूदते। भाई 0 स्टेप 0 स्पीड कैलोरीज बता रहा, हुई नहीं इतनी जंपिंग तो कर ली भाई मैंने, वॉकिंग के स्टेप्स बता रहा भाई अलग से, हार्ट रेट चेस्ट दोस्तों भाई चेकिंग कर, अभी मैंने हार्ट रेट चेक करी 75 बीट्स पर मिनट दिखा रहा है, बड़ा थोड़ा सा भाग के आते हैं। अब भाई अब देखो, अब हार्ट रेट चेक करते हैं भाई, 86 होगी, दिखा तो सही रहा है। इसमें ना मतलब बहुत ही ज्यादा फीचर डाल रखे हैं, यूट्यूब है बट बहुत बेसिक चीजें, ऐसे स्लीप ट्रैकिंग है या फिर स्ट्रेस ट्रैकिंग है, या फिर इवन अगर आप स्पोर्ट्स मोड में भी जाओगे ना, इसमें बस 5 ही मोड है। जब मतलब आप साइकिलिंग कर रहे हो या फिर जिम कर रहे हो या फिर कुछ भी बेसिक मोड कर रहे हो, तो आप इसमें कोई भी ट्रैकिंग वाला ऑप्शन नहीं है। भाई BGMI खेल लेते फाइनली, बड़ा अलग सा लग रहा है यहाँ पे ना, क्राफ्टन सा लिखा है, क्योंकि यूजुअली भाई फोन में देखा ना ये सब अलग सा तो लग रहा है भाई थोड़ा। इसमें खेलेंगे ऐसे ट्रिगर विगर बना के खेलना पड़ेगा कुछ, फोर फिंगर भाई। वो भाई चालू होने में बहुत टाइम लग रहा है, 1 मिनट हो गया। भाई ये तो चल गया डिक्की भाई, भाई इसमें क्रॉस बटन गया, इसको एंड कैसे करूँ, बाहर बाहर दबाओ, चल तो रही है, तो क्या करूँ मैं, लीक ही कर दिया भाई, समझ नहीं आ रहा अब बैक कैसे करूँ। अच्छा यहाँ से हो जाता है ऐसे बैक, भाई कर दिया स्टार्ट दबा दिया मैंने कुछ भी करके, सेटिंग वेटिंग बटन तो कट गया था यहाँ से साइड से। भाई अब आ गया ना मजा, ये देखो ओहो भाई पर चल रही है भाई, BGMI वॉच के अंदर चल रही है भाई। ओ भाई क्या मजा आ गई, देखो लैग बहुत ज्यादा मार रही है, खेल तो आप सकते नहीं, मतलब खेल आप सकते हो बट जीत नहीं सकते। भाई हवाई जहाज में चढ़ गई भाई, अलग सा लगा भाई, चल रही है गेम। अतुल भाई क्या मजाक हो गया, खेल के देखो आज तुम चैंपियन हो गए। भाई चल तो रही है भाई सही, दोनों साइड चल रही है। एक्चुअली पता दिक्कत क्या है इसमें ना, वो नहीं है, दोनों उंगली से टच एक बार में नहीं कर सकते भाई, चैलेंज तभी होता है जब चीजें छोटी होती। पीट मैच आ रहा है भाई, कैंसिल ना दब जाए, हो गया। ओ भाई ये तो अलग सा लग रहा है, बट इसमें दिक्कत बस यही है कि एक बार में ना दो नहीं चलते, एक बार में या तो ये चलेगा या तो ये चलेगा, इसको ऐसे लॉक कर दो, अब घुमा लो ये लो। ये देखो भाई क्या लग रहा हूँ भाई मैं, बेल्ट वेल्ट पहन गया, इसको अगर मारना है मेरे को तो ऐसे ऐसे मैं चल सकता हूँ और ऐसे मार सकता हूँ, चलते चलते मार नहीं सकता, पागल हो जाएगा। बट भाई गेम चल रही है, जो साइड वाले जितने कंट्रोल है ना वो सारे ब्लॉक्ड है। ओए कौन है दिख तो रानी है मेरे को आंखों से, देखो मेरे दोनों अंगूठे हैं ना, उतनी बड़ी स्क्रीन है, तो मैं खेलूंगा ऐसे, फोर फिंगर अगर मैं खेलने लगा तो मैं ऐसे खेलूंगा। भाई ओ क्या गेम, मजा आ रहा है भाई, वाओ।
अरे भाई रुक जा, अरे रुक जा, अरे बटन ही दबा रहा यार, बंद हो गया ये भाई, क्रैश कर गई भाई गेम ही। देखो हमने 5 मिनट खेला, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, 2 बार गेम क्रैश हो गई है, मेरे को रीज्वाइन करना पड़ा, प्लस एक गर्म भी हो गई है, तो एक्चुअल आप गेम तो नहीं खेल पाओगे, बड़ा अपने दोस्तों को शो ऑफ कर पाओगे आप गेम खेल सकते हो। तो बताता हूँ, बेसिकली स्मार्टफोन को छोटा करके वॉच बना दी, तो अब इसमें दिक्कत यह है कि इसकी बैटरी भी स्मार्टफोन वाली है, एंड स्मार्टफोन जितनी बैटरी लेती है सारी चीजें, तो इसकी बैटरी 1 से 1.5 घंटा चलती है। तो अब होता क्या, स्मार्टफोन में एटलीस्ट आप चार्जिंग पे लगा के देख सकते हो या काम कर सकते हो, इसमें आप चार्जिंग पे लगा के कौन ही इस पे यूट्यूब वीडियो देखेगा, या फिर इसमें जो बेसिक चीजें हैं बीजीएमआई में कोई बंदा खेलेगा नहीं, जो इसका सबसे बड़ा फायदा है वही इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है, ये वॉच नहीं है, ये एक फोन है जिसकी स्क्रीन छोटी कर दी है, एंड उससे नुकसान क्या है कि वॉच वाले काम कर ही नहीं पाती। टाइम अगर आपको देखना ऊपर से ऐसे नीचे करो तो आपको दिखता नहीं, फिर ऐसे टैप करके पासवर्ड डालो तब जाके आपको होम स्क्रीन दिखती है, बहुत बेसिक चीजें जैसे स्लीप ट्रैकिंग, स्ट्रेस ट्रैकिंग, ये सारी चीजें कॉमन है इस वाले प्राइस पॉइंट पे, वो होनी चाहिए थी, एंड ये वॉच आपके फोन से कनेक्ट नहीं होती, तो आप अपने फोन से कोई भी ऐप का ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप कॉल्स अपने फोन की ले नहीं सकते, आप फोन के मैसेजेस इस पे रिप्लाई नहीं कर सकते, तो बेसिकली ये बस एक अलग से फोन है जो आपकी घड़ी पे है जिसकी स्क्रीन छोटी है। ऑल्सो हमारे एक्सपीरियंस में इसकी बैटरी बस 1 से 1.5 घंटे चल रही है, एंड थोड़ा सा हम कम यूज करें तो 4 घंटे चल जाती है। जो पूरा इंटरफेस है वो वॉच के हिसाब से बनाया नहीं है, बटन बहुत ज्यादा छोटे हैं, आप कीबोर्ड पे टाइप नहीं कर सकते, एंड यही एक रीजन है कि जहां पे ऑनलाइन बिक्री आप कस्टमर रिव्यूज पढ़ोगे हर बंदा इस वॉच से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। मैं बोलूंगा 7,000 रुपए में घड़ी लेने से बढ़िया 8,000 रुपए में या तो आप पूरा ही स्मार्टफोन ले लो, या फिर अगर आपको घड़ी लेनी है तो आप नॉन स्मार्ट वॉच ले लो जो एटलीस्ट घड़ी वाले काम तो करे। मेरे ख्याल से अगर आपको शो ऑफ के लिए लेनी है जहां पे आपको पावर बैंक कैरी करना पड़ेगा इसको बार बार चार्ज करके शो ऑफ करने के, तब आप ले सकते हो। अगर फायरबोर्ड इसमें बहुत बेसिक चीजें सही से कर लेता हो सकता है बहुत ही ज्यादा प्यारी स्मार्ट वॉच होती, बट अभी के लिए भाई इसको रिकमेंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है।